सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो भर्ती निकली है वो पुलिस विभाग में जेल वार्डर और इसके साथ ही ये फायरमैन के पदों और घुड़ सवार के पदों हेतु इसमें ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें कुल पदों की संख्या की बात करें तो 5,500 पदों हेतु ये वैकेंसी निकली है। इसके साथ ही दोस्तों, आगे आप देख सकते हैं इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिस है, इसलिए मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में बताऊँगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। तो आप देख सकते हैं जो वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वैकेंसी निकली है, ये विज्ञप्ति जारी की गई आप देख सकते हैं 30 सितंबर 2018 को। इसके साथ ही इसमें पुरुष और महिला कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको जो नोटिस दिखा रहा हूँ ये जेल वार्डर के पदों हेतु, इसके साथ ही अन्य पदों का मैं आपको ऑफिशियल वीडियो इसी वीडियो में बताऊँगा, इसलिए वीडियो को आगे तक देखिए। तो अब आगे बात करते हैं, इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सिलेक्शन के पश्चात आपको वेतन 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक दिया जाएगा। अब इसमें जो जेल वार्डर के पदों की संख्या की बात करें, जो इसमें पुरुष कैंडिडेट के लिए 3,012 पोस्ट हैं और महिला कैंडिडेट के लिए इसमें जो पदों की संख्या है वो 626 है। इसके साथ इसमें यह भी बताया गया है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने की समय सारणी अभी इसकी ऑफिशियल नोटिस में नहीं बताई गई है, जल्द इसकी ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी इसकी ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके साथ ही इस वैकेंसी में आवेदन शुल्क की बात करें तो इसमें लिखा है कि सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों से 400 रुपये का आवेदन शुल्क लिया जाएगा, जो ATM डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना फॉर्म के लिए जो इसका एग्ज़ाम फीस है वो जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आवेदन शुल्क में भी छूट दी गई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दूंगा, वहाँ से आप इसकी विस्तृत जानकारी आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं इस वैकेंसी में आयु सीमा की, यानी अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2000 के बीच हुआ हो ऐसा कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही आगे आप देख सकते हैं जो ये तो कंडीशन है पुरुष कैंडिडेट के लिए, अब महिला कैंडिडेट का जो 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2000 के बीच जिसका जन्म हुआ हो ऐसा महिला कैंडिडेट इसमें अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अभ्यर्थी पुरुष और महिला कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा हो, तो इसमें अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा पास हो वो इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आगे बात करते हैं इस वैकेंसी में, जो ये वैकेंसी है जेल वार्डर की, इसमें जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए एक शारीरिक मापदंड है वो इस प्रकार है। इसमें बताया गया है कि जो सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों की जो न्यूनतम हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसके साथ ही जो अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसके साथ ही नीचे हम देख सकते हैं सीना, तो सीना इसमें 79 सेंटीमीटर से और फुलाने के पश्चात यानी 5 सेंटीमीटर तक उनका सीना फूल जाना चाहिए। इसके साथ ही आगे आप देख सकते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो शारीरिक मापदंड है वो इस प्रकार है, उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसके साथ ही जो अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उनकी वजन की बात करें तो न्यूनतम 40 kg उनका वजन होना ज़रूरी है। इसके साथ ये महत्वपूर्ण सूचना दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के ऊपर संपूर्ण जानकारी इसकी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस भर्ती की ऑफिशियल साइट की, तो आप इसकी ऑफिशियल साइट www.prpb.gov.in इस साइट पे जाकर भी आप इस भर्ती की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। इस प्रकार ये वैकेंसी है जेल वार्डर के, जिसमें कुल पदों की संख्या मैंने बताई है, और इसी के साथ में आगे आपको जो पोस्ट है जो फायरमैन के पदों हेतु वैकेंसी के लिए जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को आगे देखिए। और साथियों, आगे आप इस जो फायरमैन की पोस्ट है उसका ये महत्वपूर्ण नोटिस है वो भी आप देख सकते हैं, इसका ये विज्ञप्ति जारी की गई है, ये 30 सितंबर 2018 को विज्ञप्ति जारी की गई है, और ये पोस्ट है फायरमैन के पदों हेतु। देख सकते हैं फायरमैन के पदों हेतु ये सीधी भर्ती है, इसमें लिखा है कि फायरमैन के पदों हेतु सीधी भर्ती 2018। आगे आप बात करते हैं इस वैकेंसी में सिलेक्शन के पश्चात वेतन की, तो इसमें आपको वेतन 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक दिया जाएगा। इस वैकेंसी जो है फायरमैन की है इसमें कुल पदों की संख्या है 1679।
इसके साथ ही दोस्तों आगे आप देख सकते हैं इसमें आवेदन शुल्क क्या लिया जाएगा। जो आपसे आवेदन शुल्क लिया जाएगा परीक्षा का, वो 400 रुपये आपसे आवेदन शुल्क लिया जाएगा। या आप ATM या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। इसके साथ इसमें महत्वपूर्ण सामान्य निर्देश दिए गए हैं और आरक्षण का लाभ इसमें केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही इसमें मिलेगा। इसके साथ ये सामान्य निर्देश मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोटिफिकेशन का भी लिंक दूंगा, आसानी से आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में आयु सीमा की। तो अभ्यर्थी की आयु 1/7/2018 को 18 वर्ष और इसके साथ ही मैक्सिमम 22 वर्ष, यानी कि अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2000 के बीच हुआ हो, ऐसा कैंडिडेट इसके लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये पोस्ट है फायरमैन की। अब इसमें अभ्यर्थी कितना पढ़ा लिखा हो, तो इसमें लिखा है कि अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा पास हो, ऐसा कैंडिडेट इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में शारीरिक मापदंड है। जो पुरुष कैंडिडेट के लिए इसमें शारीरिक ऊंचाई 100, शारीरिक मापदंड में 168 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए और इसके साथ ही जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी है उनकी जो न्यूनतम हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। सीने की बात करें तो 79 सेंटीमीटर, फुलाने के पश्चात 5 सेंटीमीटर तक फूल जाना चाहिए और इसके साथ ही आप देख सकते हैं इसमें लिखा है 5 सेंटीमीटर तक अभ्यर्थी सीना फुला सके। आगे बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन पूर्ण सावधानी के साथ करना है, जिसमें आपको आयु से संबंधित 10वीं और 12वीं की अपनी मार्कशीट और ये सामान्य जानकारी भरने के पश्चात आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। इसके साथ इसमें यह भी लिखा है कि अभ्यर्थी को प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का सेवा प्रमाण पत्र हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर या इसका बी प्रमाण पत्र हो या ओ लेवल का सर्टिफिकेट कैंडिडेट के पास होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप इस भर्ती की विस्तृत जानकारी देखना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल दी गई है, इसकी ऑफिशियल साइट पर आप देख सकते हैं PRPB.gov.in। इस साइट पर जाकर भी आप इस भर्ती जो फायरमैन की पोस्ट है इसके लिए इसका महत्वपूर्ण नोटिस देख सकते हैं। दोस्तों आगे मैं आपको जो घुड़सवार की वैकेंसी है उसका भी ऑफिशियल नोटिस PDF दिखा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को आगे तक देखिए। साथियों आगे बात करते हैं जो पुलिस विभाग में वैकेंसी निकली है वो है घुड़सवार की। पुलिस विभाग में आप देख सकते हैं इसमें लिखा है आरक्षी घुड़सवार पुलिस विभाग में भर्ती हेतु सीधी भर्ती निकली है 2018 में। इसका विज्ञापन में 30 सितंबर 2018 को ये जारी की गई है। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन इसमें आमंत्रित किए गए हैं। इस वैकेंसी में कुल पदों की संख्या की बात करें तो इसमें टोटल पदों की संख्या है 102 और इसके साथ ही अभ्यर्थियों से जो आप परीक्षा शुल्क लिया जाएगा वो इसमें 400 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। वो ऑनलाइन ATM या डेबिट कार्ड के माध्यम से अपना परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसमें सामान्य निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को इसमें आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही नीचे देख सकते हैं इस वैकेंसी में अभ्यर्थी की आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु 1/7/2018 को 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और 22 वर्ष उसने पूर्ण कर ली हो। यानी इसके साथ ये भी बताया गया है कि अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2000 के बीच जन्म हुआ हो, ऐसा कैंडिडेट इसके लिए अपना फॉर्म भर सकता है। अब बात करते हैं अभ्यर्थी कितना पढ़ा लिखा हो, तो इस पोस्ट के लिए अभ्यर्थी न्यूनतम 12वीं कक्षा पास होना चाहिए या उसके समकक्ष किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अभ्यर्थी 12वीं कक्षा पास हो इसके लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं इस वैकेंसी में अभ्यर्थी के लिए जो घुड़सवार के लिए जो वैकेंसी है इसमें हाइट कितनी होनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसके साथ ही इसमें अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनकी न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना वो 5 सेंटीमीटर तक फुला सके, न्यूनतम 79 सेंटीमीटर और फुलाने के पश्चात 84 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और अभ्यर्थियों के लिए इसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आप आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पोस्ट की भी मैं आपको लिंक दूंगा, वहाँ से भी आप इस भर्ती की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। इसमें आपको 10th की मार्कशीट और इसके साथ 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी और इसके साथ इसमें यह भी लिखा है कि अधिमानी अर्हता संबंधी इसमें उल्लेख दिया है कि डोएक नाइट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए या
इसमें इस ये भी बताया गया कि ये सर्टिफिकेट नहीं है तो अभ्यर्थी के पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का सेवा प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय कैडेट कोड का भी प्रमाण पत्र हो, ऐसा कैंडिडेट इसके लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर आप इस भर्ती की विस्तृत जानकारी देखना चाहें तो ये इसकी ऑफिशियल साइट दी गई है। दोस्तों इसी प्रकार जो भी सरकारी विभाग में भर्तियाँ निकले उनकी पूर्व सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचाता रहूँ, इसलिए अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए और लाइक भी कीजिए, जिससे आपको जो भी सरकारी विभाग में भर्तियां निकले उनकी पूर्व सूचना सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।